अब अगर बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम अपने बच्चों को मजदूर बनाने से रोक लोगे। तो रास्ता जो बता रहे हैं उसको सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपना जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है 5 किलो अनाज दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक चीज सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए, आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं, आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैद का लड़का नीतीश कुमार 19 साल से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके वोट में इतना ताकत है आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं।